हाँ जी आप बताओ इसको क्या दिक्कत थी, कितने साल से परेशान था ये? इसे 3 साल से प्रॉब्लम आ रही थी। पहले तो इसे जुकाम ही नहीं बंद हो रहा था, तो फिर नाक में ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा था बहुत ज़्यादा वाइट। फिर इसके बाद इसे खांसी 3 साल से हो रही थी, जो सुबह सुबह आती थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो रात को होने लगी, फिर दिन रात दोनों टाइम होने लगती। और जब भी खांसी के साथ इतनी वॉमिटिंग होती थी कि जैसे बॉल निकल रही है, इस प्रकार से कफ निकल रहा था जैसे गोल गोल बॉलें पड़ कर निकल रही हो। और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, तड़पता था, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसी के पेन हो रहा था, लेकिन वो कवर हो गया। फिर कितने साल से दिक्कत थी इसको? इसको 3 साल से दिक्कत आ रही थी, लेकिन 3 साल से सिर दर्द की, पेट दर्द की, और मुंह से कफ आना, बलगम निकलना, बुखार भी। और इसके लिए आपने कहाँ कहाँ से इलाज कराया था पहले? पहले हमने इसे गंगानगर में ही हमने बहुत डॉक्टर के पास गए, मतलब लगभग कोई 10 डॉक्टर चेंज किए होंगे, बार बार नहीं आया। फिर जयपुर से भी इलाज चला, पर लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे कितना टाइम से इलाज कर रहे हैं? यहाँ से अब लगभग 2.5 महीने हो गए, तो इससे काफी फर्क, मतलब 70% तो फर्क पड़ गया है। 3 महीने में काफी ठीक है। हाँ जी। और अभी जो दिसंबर का महीना चल रहा है, इतनी सर्दी पड़ रही है भयंकर, इस टाइम पे पिछले साल क्या हाल था इसका? पिछले साल जो हाल था वो बहुत बुरा था, उससे इस बार देखा जाए तो 80% ठीक है, मतलब काफी ठीक है। हाँ जी। बेसिकली इसको दिक्कत क्या थी, इसको कफ भयंकर बनता था, और इसके अलावा सिर दर्द और पेट में दर्द रहता था, जो इसकी मम्मी बता रही है। इसको बेसिकली साइनोसाइटिस की दिक्कत थी। अभी 3 महीने हो गए इसको ट्रीटमेंट चलते हुए, लगभग 78% ठीक है, लगभग 2-3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, कुछ कहना है तुमने फोन पे रिकॉर्डिंग, कुछ बोलना है? ठीक है पहले से तो देर ना करें, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर अभी ऑर्डर करें, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इसे मंगवा सकते हैं, या आचार्य मनीष जी के पूरे भारतवर्ष में फैले 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों पर आकर आप अपनी बीमारी के होने का कारण जानकर उसका समाधान पा सकते हैं।